केबीसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या सही तरीका है एसएमएस भेजने का, कितने एसएमएस भेजें, ऑडिशन के लिए पूछे जाने वाले 3 सवालों का जवाब कैसे दें, ऑडिशन में इंटरव्यू कैसे पास करें, हॉट सीट तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो आइए इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का आंसर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल केबीसी स्पार्क इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केबीसी में कैसे जाया जाए, वो प्रक्रिया क्या है जिसके थ्रू हम केबीसी में हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वो बातें भी बताऊंगा जो अब तक आपको पता भी ना हो और आपको किसी ने बताया भी ना हो, तो वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 9 मई से 2020 के केबीसी रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। तो कुछ हमारे नए साथी जुड़े हैं हमारे चैनल से और जो पुराने साथी हैं वो भी ध्यान से देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एसएमएस भेजना होता है। अमिताभ बच्चन आएंगे 9 मई को रात को 9 बजे, एक प्रश्न देंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD, तो उसमें से जो सही आंसर है वो आपको एसएमएस के द्वारा भेजना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप 2 तरीके से एसएमएस भेज सकते हैं। एक एप्लीकेशन है सोनी लिव ऐप और दूसरा अपने मोबाइल की सिम से आप भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में विश्व किस महामारी का सामना कर रहा है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन सी कोविड-19। तो अब इसका आंसर आपको भेजना कैसे है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको टाइप करना है कैपिटल में यानी बड़े अक्षरों में KBC, उसके बाद फिर अपने मोबाइल में गैप देना है, फिर आपको आंसर लिखना है, यानी आंसर है हमारा सी तो सी लिख देंगे, उसके बाद फिर गैप देंगे, उसके बाद आपकी उम्र क्या है वो लिखनी है गैप देके। तो आप मान लीजिए आपकी उम्र 30 है तो 30 लिख देंगे, उसके बाद फिर गैप देंगे, और जो आप मेल हैं यानी आप पुरुष हैं तो M लिखना है, और यदि आप महिला हैं तो F लिखना है, यदि आप अन्य हैं तो आपको O लिखना है। देखिए यदि हम पिछले वर्ष की बात करें यानी 2019 की, तो हमें एक नंबर दिया गया था 509093, इस पर हमें आंसर लिख के भेजना होता था। तो हो सकता है इस वर्ष ये मिल जाए या फिर चेंज हो, तो वो आपको देखना है 9 तारीख को जब भी आएंगे अमिताभ बच्चन जी। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन के लिए 15 प्रश्न पूछे गए थे 1 मई से और 15 मई तक। इस बार भी हो सकता है 15 प्रश्न पूछे जाएं, यानी 9 मई से और 24 मई तक आपसे 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 9 मई को जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आप अगले 24 घंटे तक दे सकते हैं, यानी 10 मई रात को 9 बजे से पहले पहले ये आंसर आपको भेजना है, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। देखिए पूरे भारत से जो लोग मैसेज भेजते हैं वो KVC के कंप्यूटर में मैसेज बॉक्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और अगले दिन से ही यानी 10 मई से ही कंप्यूटर रेंडमली सेलेक्ट करता है आपके आंसर में से, और जिनका लकी नंबर आ जाता है उनके पास फिर 10 मई से ही कॉल आना शुरू हो जाएंगी ऑडिशन के लिए। अब देखिए सिलेक्शन के चांसेस आपके जब ही ज़्यादा रहेंगे तब आप ज़्यादा SMS भेजेंगे। मान लीजिए आपने टारगेट बनाया है कि मैं एक दिन में 500 मैसेज भेजूँगा, तो आप एक सिम से 500 मैसेज भेजते हैं तो भी बात वही है, और 5 सिम से 500 मैसेज भेजते हैं कुल मिलाकर तो भी बात वही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज लेते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये पिछले वर्ष के आंकड़े हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या होता है। 3,22,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से कंप्यूटर ने रेंडमली सेलेक्ट किया था 24,000 लोगों को, यानी 24,000 लोगों के पास कॉल आई थी ऑडिशन के लिए और सभी से 3-3 प्रश्न पूछे थे। फिर इन 24,000 लोगों में से 4,800 लोगों को ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया गया था, यानी 4,800 लोगों ने ऑडिशन दिया था पूरे भारत में। फिर इन 4,800 लोगों में से 130 लोगों को मुंबई में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुना गया था। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं, हो सकता है रजिस्ट्रेशन करने वालों की इस बार संख्या बहुत ज़्यादा हो।
देखिए, जैसे ही आपने एसएमएस भेजा और मान लीजिए आपका जो वो एसएमएस सेलेक्ट हो गया रेंडमली, तो उसके बाद क्या होगा, कैसे तीन सवाल पूछे जाएंगे जहाँ पे लोग ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हैं, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले केबीसी से एक व्यक्ति का कॉल आएगा, वो बोलेगा मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात उसी से हो रही है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है? तो आप हाँ बोलोगे, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी पूछ सकता है। उसके बाद वो बोलेगा मैं कंप्यूटर के लिए ये कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आपसे तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कंप्यूटर आपसे तीन प्रश्न पूछेगा, उन तीन प्रश्नों में से पहले जो दो प्रश्न हैं उनके ऑप्शन होते हैं, यानी ए बी सी डी आपके ऑप्शन मिलेंगे, और जो तीसरा प्रश्न होता है वो नियरेस्ट प्रश्न होता है, यानी उसका जो आंसर है वो आपको अंक में देना होता है। देखिए, पहले जो दो प्रश्न हैं उनका पैटर्न इस हिसाब से होगा, यानी उसमें ऑप्शन होंगे, जैसे भारत में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए गए हैं, तो इसका आंसर महाराष्ट्र है। तो वो कंप्यूटर आपसे बोलेगा महाराष्ट्र यदि आपका आंसर है तो ए दबाएं, गुजरात है तो बी दबाएं, दिल्ली है तो सी दबाएं, और मध्य प्रदेश है तो डी दबाएं। अब आपको पता है कि इसका आंसर महाराष्ट्र है तो आप ए दबा देंगे। ध्यान रखिए, यदि किसी व्यक्ति ने गलत आंसर दे दिया है तो वो कंप्यूटर आपसे ये बोलेगा कि अपना उत्तर बदलने के लिए किसी की को दबाएगा, तो फिर से ये ऑप्शन पढ़े जाएंगे, ये वो कंप्यूटर फिर से ऑप्शन पढ़ेगा, तो आपके लिए टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है उसमें केवल 6 सेकंड मिलती हैं आंसर देने के लिए, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर होती हैं। तीसरा प्रश्न कैसे हो सकता है वो देख लीजिए। देखिए, तीसरा प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाएगा, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या बनती है? इसमें आपको आंसर देने के लिए सिर्फ 6 सेकंड मिलेंगी, आपको तुरंत आंसर देना है इसका। अगर किसी को नहीं पता है तो भी संख्या लिख के आनी है, क्योंकि जो नहीं लिखेगा उसका आंसर गलत माना जाएगा। अगर उसने पहले दो प्रश्न ठीक कर दिए और तीसरे का कुछ भी आंसर नहीं दिया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पक्की बात मान लीजिए। इस प्रश्न के संदर्भ में इसका उत्तर 36 हो जाएगा, यानी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, लोग गलती क्या करते हैं, कुछ सोचने में ही टाइम निकाल देते हैं 6 सेकंड, कुछ सोचते हैं कि आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा तो कुछ भी लिखते नहीं हैं। ये आपको नहीं करना है, कुछ भी आंसर लिखना है उसके आसपास ज़रूर लिखना है। किसी को नहीं पता एग्जैक्ट 36 है तो आपको 35 लिखना है या 34 लिखना है, जो भी है आंसर आपको ज़रूर लिखना है, नहीं लिखेंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा ऑडिशन के लिए। देखिए, हम पहुँच गए हैं कि लोगों ने एसएमएस भेजे पूरे भारत से, उनमें से फिर 24,000 लोगों के पास कॉल आई जिनसे तीन प्रश्न पूछे गए। अब उन 24,000 में से 4,800 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे ऑडिशन के लिए। यहाँ तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। देखिए, इसके बाद ऑडिशन में क्या होता है ये सारा कुछ बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हो जाता है एक बार और वो हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वो जीवन में दोबारा केबीसी के लिए सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। अतः अपनी तैयारी अच्छे से करें, आपकी केबीसी की तैयारी अच्छी हो, आपके सपने पूरे हों। इसी संदर्भ में मैंने क्रिकेट पर एक केबीसी की बुक लॉन्च की थी जिसको हमारे अधिकांश साथी ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं कितने ही बार। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप सच में केबीसी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ये बुक जल्दी से पढ़ लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वहाँ से बुक ले लीजिए। बुक में 1400-1500 क्वेश्चन हैं, यानी मैंने अब तक यूट्यूब पर जितने वीडियो डाले हैं उतने अच्छे क्वेश्चन एक ही बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ध्यान रखिए 1400-1500 प्रश्न इतने जल्दी याद भी नहीं होंगे जिस तरीके से मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं।
अभी वर्तमान में जो मैं केबीसी की बुक लिख रहा हूँ वो केबीसी के सभी 11 जो टॉपिक्स होते हैं जो केबीसी में दिखाए जाते हैं उन पर तो है ही है, और एक्स्ट्रा में टॉपिक्स लेके मैं बना रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए इसमें टाइम लगता है, प्रश्न ऐसे ही उठा के नहीं रख दिए जाते कि बुक में कुछ भी प्रश्न लिख दो और आपको दे दी। आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो केबीसी में जिस तरीके से आते हैं और आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो दूसरी बुक के लिए वेट करिए और पहली बुक पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑडिशन के लिए, आपका सिलेक्शन हो गया। ऑडिशन में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से, तो इस वर्ष ऑडिशन की जो प्रक्रियाएँ हो सकता है वो ऑनलाइन ही पूरी की जाए। ऑनलाइन कैसे करेंगे वो तो हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन पिछले वर्षों में जो ऑडिशन हुए हैं उसी पैटर्न से ऑडिशन पूरे किए जाएंगे। यानी जो क्वेश्चन का पैटर्न है, सिलेक्शन का पैटर्न है, वो उसी पैटर्न से किया जाएगा। देखिए पिछले वर्ष 4,800 लोग ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किए गए थे पूरे भारत से, हो सकता है इस वर्ष भी लगभग इतने ही चुने जाएं। तो उनको बता दिया जाता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में लाने हैं, यानी हर राज्य में अलग अलग सेंटर बना दिए जाते हैं ऑडिशन के लिए, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना होता है, जिसमें अपने मार्कशीट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब साथ में लेके जाना होता है। वो एक लिस्ट बता देते हैं। ऑडिशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका 20 नंबर का एक टेस्ट होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। यानी 20 नंबर का टेस्ट और इंटरव्यू, इन दोनों को आधार बनाकर आपका सिलेक्शन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको टेस्ट भी अच्छा देना होगा और इंटरव्यू भी अच्छा देना होगा, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। यानी जितने हफ्ते तक केबीसी चलेगा हर हफ्ते के लिए 10 कैंडिडेट के हिसाब से चुने जाएंगे। पिछले वर्ष 13 हफ्ते चला था, इसलिए 130 कैंडिडेट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुने गए थे। इंटरव्यू और टेस्ट दोनों में ये ध्यान रखना है कि यदि आपने टेस्ट में 20 में से 20 नंबर ले लिए और इंटरव्यू आपका ख़राब है तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोनों ही चीज़ होना ज़रूरी है। मेरे कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने 5 बार ऑडिशन दिया है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उनसे बात करने पर यह पता चला कि उनका टेस्ट तो बहुत अच्छा जाता है लेकिन इंटरव्यू अच्छे से नहीं हो पाता है। वो जो इंटरव्यू लेते हैं, किसी का 45 मिनट लेते हैं, किसी का 1 घंटे लेते हैं, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग मुंबई भेजी जाती है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए इस साल 15 हफ्ते के लिए केबीसी चलेगा, तो इन लोगों को 150 लोग चुन रहे हैं 4800 में से। तो 20 नंबर का जो टेस्ट लगा था उसमें से ऊपर ऊपर के 150 व्यक्ति चुन लिए जाते हैं और उनका इंटरव्यू मुंबई भेजा जाता है। उनमें से जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता है तो नीचे अंक वाले, यानी जिन्होंने 20 में से कम अंक प्राप्त किए हैं, फिर उनका इंटरव्यू मुंबई भेजा जाता है, फिर उनमें से देखा जाता है और सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 20 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है और 15 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मान लीजिए 150 लोग सेलेक्ट कर लिए तो उनके पास कॉल जाती है कि फाइनली आपका केबीसी के लिए सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है घर जाके, यानी केबीसी वाले उन कैंडिडेट्स के घर जाते हैं, फिर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जो कि आप केबीसी में देखते हैं। फिर हर हफ्ते 10-10 कैंडिडेट को मुंबई बुलाया जाता है। इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूँ कि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है यदि वो एक और व्यक्ति मुंबई अपने साथ ले जाना चाहता है तो उस व्यक्ति का भी किराया, वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। यदि वो एक कैंडिडेट से ज़्यादा अपने साथ ले जाता है तो उस व्यक्ति का सब कुछ, यानी जाने का किराया, आने का किराया और वहाँ खाना पीने का खर्चा खुद को ही वहन करना पड़ता है। जब 10 व्यक्ति मुंबई पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी मॉर्निंग में आते हैं 11 बजे के आसपास, फिर उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है, हॉट सीट पे बिठा के भी प्रैक्टिस कराई जाती है,
उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा वहाँ बना रहे, इसलिए वहाँ पे प्रैक्टिस भी की जाती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये केवीसी में जाने की प्रक्रिया थी, उम्मीद करता हूँ ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केवीसी से आपके हर सपने पूरे हों, मैं ऐसी शुभकामनाएँ देता हूँ आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।